नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। और आप अक्सर कहते हैं कि रणवीर यार, मटन में तुम इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हो, चिकन में भी कुछ बना के दिखाया करो। ऐसा थोड़ी ना है कि हर अच्छी रेसिपी मटन में बनती है। तो जी, चिकन में एक बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने मटन रोगन जोश देखा और सब ने नीचे कॉमेंट में लिखा चिकन में नहीं बन सकता, इतना टाइम हम वेट कैसे करेंगे, ये वो सब तरह के कॉमेंट थे। तो जी, हमने चिकन में बना दिया है। ठीक है, एक कश्मीरी स्टाइल का चिकन बन रहा है। आप रोगन जोश कह लीजिए अगर कहना है तो, लेकिन मज़े पूरे। ठीक है, म्यूजिक के बाद और क्या, सम थिंग्स नेवर चेंज। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है। रेसिपी बनाने के दो मकसद, एक तो ये कि आपको अच्छी चिकन की रेसिपी मिल जाए, दूसरा आपको वेर मसाले के बारे में पता चल जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा कश्मीरी मसाला है जो कि सब जगह आजकल मिल रहा है, लेकिन खाने में कश्मीरी फ्लेवर डालने का सबसे आसान तरीका है वो। ठीक है जी, तो सबसे पहले वेर मसाले से ही शुरू करते हैं। हाँ, मसाले की टिक्की बोलते हैं, टिक्की मसाला बोलते हैं। दो किस्म का बनता है, एक कश्मीरी मुस्लिम स्टाइल बनता है, एक कश्मीरी पंडित स्टाइल बनता है। मैं जो है वो दोनों का फ्यूजन बना रहा हूँ, उन चीज़ों से जो आपको आसानी से मिल सकती। कश्मीर में एक ख़ास किस्म का प्याज होता है जिसको प्राण कहते हैं। पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े प्याज जो है वो उग नहीं सकते हैं, है ना। पहाड़ों पे न्यूट्रिशन भी कम होता है, सर्दी भी ज़्यादा होती है, इतना समय भी नहीं मिलता चीज़ों को उगने का, तो इसलिए छोटे छोटे प्याज होते हैं। उस प्याज को कश्मीरी में कहते हैं प्राण। कश्मीरी खाने में सिर्फ वही प्याज जाता है। अगर आप चाहें उसको रिप्लेस करने के लिए शैलट्स यानी कि सांभर अनियन यूज़ कर सकते हैं। या मैं ये नहीं चाहता था कि आप मुझे कहें कि रणवीर सांभर अनियन नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने प्याज ही यूज़ कर लिया है कि स्याप्पा ही मुकाओ, किसी को देना ही नहीं है हमने मौका। ये जो टिक्की है इसकी बड़ी सारी मोनोपोलियाँ हैं। इसकी जो सबसे बड़ी मोनोपोली है ये वन साइज फिट्स ऑल है, यानी कि कश्मीर में भी अगर आपके पास अच्छा वेयर मसाला है तो आप फटाफट से खाने में फर्स्ट क्लास फ्लेवर डाल सकते हैं। देखिए, कश्मीरी प्राण का पता नहीं, लेकिन हमारा ये प्रण ज़रूर है कि हम ज़रूर रोएंगे जब प्याज काटेंगे। तो प्याज ने प्रण लिया हुआ है कि रणवीर को रुलाएगा ही रुलाएगा, चाहे प्राण है चाहे नहीं है। समझिए ना, टंग ट्विस्टर था ये है जी। गार्लिक, जाहिर सी बात है अगर आपको कश्मीरी गार्लिक मिल रहा है तो आप कश्मीरी गार्लिक यूज़ करें। प्राण में जो है वो पानी बहुत कम होता है, हमारे प्याज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, प्राण जो है वो इसलिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरी साइड में क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सरसों का तेल और उसको स्मोक करे ले रहा हूँ। विल जस्ट अलाउ इट टू स्मोक अप। उसके बाद जब हम पेस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर डालेंगे थोड़ी दालचीनी, बड़ी छोटी इलायची, ऑप्शनल है बट दो लौंग डाल दीजिएगा, लौंग से बड़ा अच्छा उठ के आता है फ्लेवर। और इसका बनाएंगे हम पेस्ट। इसका पेस्ट बनाइए, फिर वापस आइए, फिर आगे का प्रोग्राम को बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। धुआं देखिए, जैसे इसका धुआं निकलता है ना, इसको ठंडा कर लेना। और आते हैं चिकन पे। ये चिकन जो है, आप चाहें तो चिकन का करी कट ले सकते हैं, जो चिकन आपको समझ में आया वो ले लीजिए। चिकन का मैंने जो है वो लेग लिया है विद बोन। चिकन विद बोन लीजिएगा, टेस्ट जो है विद बोन में ही आता है। ये देख लीजिए मैं कैसे साफ़ कर रहा हूँ। एक तो ये एक्स्ट्रा ट्रिमिंग निकाल रहा हूँ, फिर ये जो बीच की हम लोग टेंडन बोलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ इलास्टिक, उसको कट मार देते हैं। ट्रिम, इलास्टिक कट और 1/2। हाँ देखिए, तेल स्मोक हो गया, देखिए 20 सेकंड में बंद कर देंगे इसको। नाइस, अब इसे होने देंगे ठंडा और अपना चिकन का काम जारी रखेंगे। भाई डन है जी, अब चिकन कर लेते हैं मैरिनेट। बहुत बेसिक मैरिनेशन है। चिकन के मैरिनेशन में डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, स्याह जीरा या शाही जीरा, काला जीरा नहीं ऑप्शनल है, चिकन को नरम करने में थोड़ा काम आता है।
साथ ही अपना मस्टर्ड ऑयल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। अभी देखिए ये जितना वाटरी है, अगर आप कश्मीरी गार्लिक और कश्मीरी प्याज यूज़ करते हैं इतना वाटरी नहीं होता, ये उनमें पानी कम होता है। इसमें डालिए मेरा प्रिय मित्र ठोक के धनिया, मेरी प्रिय मित्र ठोक के देगी मिर्च, सौंफ का पाउडर, सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अभी देगी मिर्च मैं और डालूँगा, टेंशन मत लीजिए। मेरे को तो जो है ना इसके कलर का आइडिया लग जाता है, कलर से प्रोपोर्शन का आइडिया लग जाता है। उसके बाद देगी मिर्च मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीरी मिर्च और धनिया। धनिया से बॉडी है इस मसाले की, कश्मीरी मिर्च से रंग है, और अनियन और जो गार्लिक आपने डाला है उससे इसका स्ट्रक्चर है, और जो खुशबू वाले मसाले डाले उससे इसकी जाहिर सी बात है खुशबू है। थोड़ा सौंफ, सौंठ और सौंठ, सौंफ। अभी क्या है, धनिया जो है वो वैसे भी पानी खींचेगा ना। अब इसमें एक बड़ा ज़रूरी इंग्रेडिएंट डालना है जो कि आमतौर पर सब भूल जाते हैं लेकिन भूलना नहीं चाहिए, और वो ज़रूरी इंग्रेडिएंट है नमक। नमक से जो है प्रिजर्वेशन आता है, राइट, क्योंकि आप ये मसाला बना के लंबे समय तक रखते हैं तो नमक डालना भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा पका हुआ कड़वा तेल है, सरसों का तेल, वो डालना है। 3 चम्मच बहुत है। बेसिकली इस डिश को आप कश्मीरी चिकन रोगन जोश बोल सकते हैं, कश्मीरी चिकन कोरमा बोल सकते हैं, कश्मीरी चिकन मसाला बोल सकते हैं, कश्मीरी वेयर चिकन बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोलिए। अभी इसको आप ढक के कम से कम 4 दिन तो छोड़िए, अभी वो सारे फ्लेवर जो है ना वो मच्योर होंगे, एंड इट ओनली गेट बेटर। और उसके बाद अगर वक्त लगे तो सुखा लीजिए। इफ़ यू मेक दिस वेल इन एडवांस, अगर आप इसको एडवांस में बना के रखेंगे ना साहब, इसके जैसा स्पाइस मिक्स जो है वो कुछ है नहीं। तो इसको इस समय कवर करके अच्छे से क्लिंग रैप से और 4-5 दिन के लिए कश्मीर में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे, एक तो स्लो फर्मेंटेशन होता है प्याज का, गार्लिक का, स्पाइसेस सारे धीरे धीरे मिक्स होते हैं और वो कश्मीर की स्लोनेस आ जाती है इसके अंदर, राइट। जब वो स्लोनेस आती है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, फिर इसकी टिक्की बनाई जाती है, और टिक्की बना के सुखा ली जाती है या फिर इसको ऐसे ही बोतल में भर लिया जाता है, राइट। बट यू हैव टू अलाउ इट टू मच्योर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। अगर इसको मच्योर करने जाएंगे तो आप लोग जो है मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैं इसको मच्योर करने नहीं जाऊँगा, अगला प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। जब ये मच्योर हो जाए, यानी कि आप क्लिंग रैप करके छोड़ें, 4 दिन बाद इसको निकालें, 5 दिन बाद निकालें, तो उसके बाद बिल्कुल सूखे हाथों से उनमें लें कड़वा तेल और इसकी बना लें टिक्की, और उसके बीच में ऐसे कर दिया जाता है छेद। छेद करने का जो कारण है वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि जो मेन कारण है वो ये है कि बीच से भी सूखती रहती है टिक्की, इट ऑल्सो ड्राइज फ्रॉम द सेंटर। और इस तरह आपकी वेयर मसाले की टिक्की जी हो गई तैयार। अब इसको छोड़ दिया जाता है सुखाने के लिए ओपन एरिया में। इसको आप सूखने दें, सूख के जब ये एकदम पत्थर जैसी ना हो लेकिन काफ़ी टाइट हो जाए तब इसको आप निकाल के रख लें, नहीं तो ऐसे ही ये जो 4-5 दिन मच्योर हुआ हुआ मसाला है इसको बोतल में भरें और आपका कश्मीरी वेयर मसाला रेडी। सब बता दिया मैंने, अब कोई नहीं कह सकता है कि रणवीर ने नहीं बताया। जो भी कहते हैं कि रणवीर आपने बताया नहीं, उनको पता ही नहीं है कि रणवीर सब बता चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी नाइस। कश्मीर में आप जाएं, हज़रतबल दरगाह के बाहर जाएं, तो जगह जगह ये वेयर मसाला, वेयर टिक्की बिक्री होती है। किसी भी मार्केट में अगर आप चले जाएं तो दिस इज़ लाइक अ कश्मीरी सिग्नेचर अक्रॉस ऑल मार्केट प्लेसेस, है ना। और कश्मीर में मार्केट्स की तो भाई साहब बात ही कुछ और है, नहीं? कश्मीर में जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो सब भाप लेते हैं, वहां के लोग भाप लेते हैं, डल झील भाप लेती हैं, हवाएं भाप लेती हैं, पंछी भाप लेते हैं, और सबको पता होता है कि उस समय कुछ चीजें जो है वो होनी ही होनी है। इन द ऑटम्स यू हैव टू ड्राई योर वेजिटेबल्स एंड यू हैव टू मेक द टिक्की मसाला। और ये सारे मसाले लेके, जिसे हम लोग ओखली कहते हैं, वखुल और सोट, जो सोटा होता है उससे कूट के मसाले बनाए जाते हैं, और कभी धूप में नहीं सुखाए जाते, बल्कि वो 1.5 से 2 फुट का छज्जा जो होता है, जो खिड़की पे बर्फ ना आए उसलिए बनाया जाता है, उस पे सुखाए जाते हैं।
और उस छज्जे के अंदर एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है कि चाहे सब्जियां सूख रही हों, चाहे टिक्की का मसाला सूख रहा हो, या छोटे छोटे किचन गार्डन्स बने हों, सर्दियों की तैयारी शुरू हो जाती है और उस तैयारी में ये टिक्की मसाला अहम है। ये मैंने क्यों रखा हुआ है सामने वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए क्लासिकली अगर आप रोगन जोश बनाते हैं तो ये कॉक्सकूम या मवल है, आप मवल का बनाते हैं पाउडर और पाउडर को बिल्कुल बारीक छान के और उसके बाद उसको ग्रेवी में डाल देते हैं रंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि मन करेगा तो मवल का पाउडर बना लूँगा, लेकिन मन नहीं कर रहा है, मवल का पाउडर मैं नहीं बनाऊंगा। मवल पाउडर ऑल्सो रेडीमेड मिलता है आजकल, ऑनलाइन सब जगह मिलता है। अगर आप बनाना चाहें ऑथेंटिक रोगन जोश तो वो मवल के पाउडर से बनता है, कुछ लोग रतन जोत से भी बनाते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अब मज़े की चीज़ है कि जो वर मसाला है इसकी टिक्की आप बटर में अगर सेकेंगे तो इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा, राइट। बहुत लोग बटर में सेकते हैं, कुछ लोग ऐसे आप रेगुलरली सरसों के तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन वेयर एंड बटर इज़ अ क्लासिक क्लासिक कॉम्बिनेशन, तो बटर में हम भी सेक ही लेते हैं साहब। बटर, वेयर, स्लोली स्लोली भुनाई। भुनाई इसलिए ज़रूरी है भाई और बहनों कि इसके अंदर डाला हुआ है कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन, अगर उसको पकाएंगे नहीं तो मज़े आएंगे नहीं। देखिए मेन चीज़ क्या है ना, मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना वो जो खुशबू वाले मसाले आपने डाले हैं ना उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। ये गया जी चिकन, छोड़ना कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल, चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ा और हम जो है दो कदम आगे हैं, हमने तुरंत डाल दी दही और दही के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा मक्खन। अगेन अभी ऑप्शनल है, अगर आप देगी मिर्च डालना चाहते हैं और तो डाल सकते हैं। कुछ लोग जो हैं चिकन भूनते समय थोड़ी सी टोमेटो प्यूरे भी डालते हैं, अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल रखेंगे तो मज़ा बहुत आएगा। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ये वाली शर्ट भी गंदी होगी ना, अगर तो माता जी घर से निकाल देंगे। चिकन को ज़्यादा नहीं भूनना है, ये जो भुनाई वाला प्रोग्राम है कश्मीर में इतना होता नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता और दूसरा इतनी हीट भी नहीं होती, और तो इसलिए चिकन को बस पानी छोड़ने तक भूनना है। दूसरी चीज़ क्या है ना, अगर आप चिकन को भूनने में वक्त लगा देंगे चिकन जो है वो ज़्यादा पक जाएगा, और अगर चिकन पहले ज़्यादा पक गया तो बाद में जब आप दही डालेंगे तो दही कच्चा रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पर चिकन को बस पानी छूटने तक भूनना है और फिर दही डाल देना है ताकि दही और चिकन साथ में बराबर पके, दही में कच्चापन ना आए और चिकन बढ़िया से पक जाए। आई ऑलवेज से व्हेनेवर यू मेकिंग अ डिश ऑलवेज स्टार्ट बैकवर्ड्स, पहले फाइनल डिश से शुरू करें और उसके बाद आपका टाइमिंग अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। लाइक आई सेड द कलर इज अप टू यू, देगी मिर्च और डालनी है तो डाल सकते हैं, टोमेटो प्यूरे आजकल तो कश्मीर में एक्सटेंसिवली यूज हो रही है, न्यू कश्मीरी कुकिंग में टोमेटो प्यूरे का इस्तेमाल है। अगर आप पुरानी कश्मीरी कुकिंग देखें टमाटर का तो सवाल ही नहीं उठता साहब, कौन उगाएगा कश्मीर में इतने सारे टमाटर, बट द न्यू कश्मीरी कुकिंग हैज स्टार्टेड यूजिंग टोमेटोस, तो उस कुकिंग के हिसाब से आप इसमें टोमेटो प्यूरे डाल सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं अपना वेयर मसाला संभाल लेता हूँ, घर लेके जाता हूँ। अगर फ्रिज में रखेंगे तो भाई साहब इतनी गारंटी लूँ, महीने भर की तो ऑलरेडी गारंटी ले रहा हूँ मैं। हींग भी डाल सकते हैं थोड़ी सी वेयर मसाले में, प्याज लहसुन थोड़ा कम डाल सकते हैं, खासतौर लहसुन थोड़ा कम डाल सकते हैं अगर आप हींग डाल रहे हैं तो। ये ऊपर से डालिए तेल, इसको लगा देते हैं ढक्कन, ये लो जी फॉर सेल है, जिसको चाहिए वो बता दीजिए, घर भिजवा दिया जाएगा। नीचे एड्रेस कोई नहीं लिखेगा, हाँ ऐसे पर पता लगा राइट टू प्राइवेसी सबकी चली गई, मसाला तो नहीं आया, पता नहीं क्या क्या आने लग जाए घर पे, मजाक कर रहा हूँ है ना, बट सिंपल इजी नो रॉकेट साइंस वाली रेसिपी है ना, कपड़े बचा के रखिएगा वरना माता जी गुस्से हो जाएंगी बस। देखिए मैंने बड़ी कंजूसी से डाला है यहाँ पर मक्खन और तेल, क्या है ना जब आप मटन बनाते हैं तो मटन में नेचुरल फैट होता है, चिकन में वो नेचुरल फैट नहीं होता, तो इसलिए आप डाल सकते हैं और
क्या बात, एकदम टेंडर एंड जूसी। एक सलाह दूं, टिक्की मसाला बना लीजिए और बना के रख लीजिए, उसके बाद जब मन करे रेसिपी बना लीजिएगा। इतना कॉम्प्रोमाइज तो चलेगा ना, टिक्की मसाला बना लीजिए। मजा आ गया, टिक्की मसाला क्या यार, पूरा बनाइए आप। वाह भाई, इतनी बुशर्मों की तरह खाया मैंने। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, खबर मिली है कि आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, बहुत नाइंसाफी है।